नमस्कार बच्चों, नमस्कार स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, सब लोगों को जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शंस इन सॉलिड। फ्रिक्शंस यानी कि फ्रिक्शन के बारे में अभी मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ। अच्छी तरह से एक कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ, कोशिश बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कभी नहीं बोला करते कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत शाना हूँ, ऐसा नहीं जमता, क्योंकि एक से बढ़कर एक दुनिया में बहुत सारे होते हैं। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि एक पढ़ाने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छा बीट है, बहुत ही ज़बरदस्त बीट है, ये ज़िंदगी में कभी भी आप भूलोगे नहीं। इस तरह से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जो बच्चे, जो स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, जो कुछ भी है, जो नए हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट करो, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप ईच एंड एवरी यानी कि हर वीडियो आप देख पाओगे। ओके, चलो हम अभी शुरू करते हैं फ्रिक्शंस इन सॉलिड। ओके, तो देखो फ्रिक्शंस इन सॉलिड के पहले मैं आपको फ्रिक्शन क्या है ये बता देता हूँ। ये देखो बाजू में आप यहाँ एक छोटी सी इमेज देख रहे हैं, मेरे बाजू में है, जो इमेज इस तरह से मैंने आपके लिए लेके रखी है। ओके, ये थोड़ी सी मैक्सिमाइज करके दी है, लेकिन इस तरह से एक्चुअली इस तरह से ये पॉइंट रहता है। अगर हम हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से घिसते हैं, तो आपको मालूम है एक आवाज प्रोड्यूस होता है। देखो नहीं, हाथ घासायचा होता मला, इथं धरायचं म्हणलं तर आवाज जातो पोरांना, म्हणजे इथं चापून बघतो तर ऐकत नाही, पोरं ऐकत असतील ते। ओके, ये देखो, ये मैं आपको आवाज सुना रहा हूं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है आपको मालूम है कि ये फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है? तो फ्रिक्शन ये हमारे हाथ के ऊपर, ये जो हमारा पाम होता है, ज्याला मराठी मध्ये आपण तळवा म्हणतो, आपण या तळव्यावर खूप छोट्या 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 रेषा असतात आणि या हातावर पण रेषा असतात, आणि जेव्हा या दोन्ही रेषा एकमेकावर अशा घासल्या जातात त्यावेळेस एक प्रकारचा आवाज निघत असतो, एक आवाज प्रोड्यूस होत असतो, तोच प्रकार इथं आहे। त्यानंतर दुसरा बीट असा सांगूया आपण, इथे जे तुम्ही पाहत आहेत, हे जे पॉइंट सांगितले तुम्हाला, जो आपको यहाँ दिखाया गया है, ये दो बॉडीज है, ये देखो ये क्यूब है ऊपर रखे वाला, ओके, और ये सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉडी रखने के बाद इन दोनों के बीच इस तरह का सरफेस होता है, ये है ना, ये लोअर सरफेस और ये अपर सरफेस। लेकिन इनके बीच जो एक माइनर बोले तो बहुत ही छोटे 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 पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन इनके बीच जब ये दोनों एक दूसरे को मैच होते हैं तब वो फ्रिक्शन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो अपोजिशन क्रिएट करता है, इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। इससे अलावा दूसरा कुछ नहीं है। समझो अगर आप क्या कर रहे, एक प्लास्टिक का बूट या चप्पल आप आपके पैर में डाल के एक मार्बोनाइट फर्श के ऊपर चल के देखो क्या होता है, आप चल नहीं पाओगे, यानी कि आप अगर आगे चलोगे तो आपका पैर पीछे सटकता है। और दूसरा, अगर आप दौड़ रहे हैं और अचानक आपको ठहरने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ठहर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पैर के जो जूते होते, जो चप्पल होती है, उसका सरफेस और जमीन का सरफेस यानी कि फर्श का सरफेस, ये दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, और ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होने की वजह से आप ठहर नहीं सकते। अगर कोई रेलवे है, कोई ट्रेन है, अगर ट्रैक से जा रही है, आप अगर उसे रोक रहे हो, जो मोटरमैन रहता है उसे रुकाने की कोशिश करता है, उसे रुकाने की कोशिश जब करता है, लेकिन अगर वो रूल यानी कि ट्रैक और
ट्रेन का जो व्हील होता है लोखंड का, आयरन का, लोहे का व्हील, इन दोनों के बीच भी एक टाइप का फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तब वो व्हीकल रुक नहीं सकती। दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूं, जबकि हम रोड से चलते हैं उस वक्त हम फोर व्हीलर टू व्हीलर का ब्रेक अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का एक इनर्शिया जनरेट हुआ होता है उस वक्त, यानी कि वो बॉडी और वेलोसिटी, यानी कि गाड़ी के टायर और वेलोसिटी दोनों का एक दोनों के बीच ब्रेक अप्लाई करने के बाद दोनों के बीच एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। अगर वो रिलायबल फ्रिक्शन नहीं मिलता तो वो गाड़ी स्लाइड हो सकती है, स्कीड हो सकती है और स्लिप होके आगे जाती है। वो क्यों आगे जाती है? क्योंकि हमारे बॉडी और वो गाड़ी का सरफेस या गाड़ी ये टोटल एक इनर्शिया में आ जाती है और इसके जरिए वो गाड़ी, वो व्हीकल आगे स्लिप होके आगे चलती है। उसी तरह से ये मैं आपको फ्रिक्शन इन सॉलिड, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सीधा और सिंपल बीट है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकोगे। एग्जाम्पल तो मैंने बहुत सारे दिए हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। समझो एक पानी का बड़ा हौद है और उसी हौद में आप क्या करें, एक घड़ा इस तरह से हाथ में पकड़ के वो पानी में उसे डुबाने की कोशिश करें, और पानी में डुबाने के बाद उसे ऊपर उठाने की कोशिश करें। ऊपर अगर आप उसे ऊपर उठाओगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो अगर आप ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो आप अच्छी तरह से उसे उठा पाओगे, आप ऊपर। अगर वही हाथ को अगर गीला करके, वही जो घड़ा रहता है, वही घड़ा आप अगर गीला करके उसे आप अगर उठाने की कोशिश करोगे तो आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि हाथ के बीच जो फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। ओके, द फ्रिक्शन इन सॉलिड्स यानी कि इस तरह से वही है, आगे दूसरा कुछ नहीं है। देखो अब मैं आगे एक एक पॉइंट को लेके मैं आपको आगे बताऊंगा। व्हेन एवर द सरफेस ऑफ वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर, एक बॉडी है और वो स्लाइड हो रही है एक दूसरे को, समझो एक ग्लास सरफेस है और ग्लास सरफेस में हमने कोई चीज रख दिए और उसे धकेल रहे तो इजिली सरक जाती है आगे, क्योंकि वहां कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वहां कोई अपोजिशन नहीं होता। ओके, तो इसके बाद वेन एवर द सरफेस ऑफ वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर, ईच बॉडी एक्सर्ट्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अदर बॉडी। और एक बार देखो, वेन एवर द सरफेस ऑफ वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर, दूसरे के सरफेस के ऊपर स्लाइड होके आगे चलती है। ईच बॉडी एक्सर्ट्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अदर बॉडी, यानी कि अभी आपने ये देखा था, मैं आपको यहां बॉडी लेके बता देता हूं कि किस तरह से ये होता है। ओके, एक मिनट बच्चों, मैं आपको यहाँ एक छोटा सा इमेज लेके मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली पोजीशन यहाँ की क्या है। चलो इधर ही लेके मैं आपको बता देता हूँ, इधर ही, ये जो है ना, ये हमारा, इस तरह से देखो ये है, देखो द फोर्स आर टेंजेंशियल, ईच बॉडी एक्सर्ट्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द अदर। ओके, दीज फोर्स आर टेंजेंशियल टू द सर्फेसेस,
ये देखो ये सरफेसेस है, इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स होता है दोनों के बीच, फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स ऑन ईच बॉडी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बिटवीन टू बॉडीज। यानी कि एक बॉडी इधर फोर्स है और दूसरी का इस तरह से फोर्स है, दोनों का अपोजिट होता है। द फोर्स ऑन ईच बॉडी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टू बॉडीज। दोनों के बीच दोनों की जो कुछ भी डायरेक्शन रहती है उसके अपोजिट ये फोर्स होता है। ओके देखो आगे का, इट प्रिवेंट्स आर अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। यानी कि ये जो दो बॉडीज होते हैं उनके बीच जो कुछ भी फोर्स होता है, जो कुछ भी मोशन होता है, उसी मोशन को अपोज किया जाता है। कैसे, समझो मैं इस तरह से इसे धकेल रहा हूं लेकिन ये जो गैप होते हैं हाथ के ऊपर ये आगे नहीं धकेलने देते। ये जो हाथ होता है ना, ये हाथ के जो लाइंस होते हैं, रेखाएं होती है, ये रेखाएं इधर धकेलती है और मैं उधर धकेल रहा हूं, ये दोनों हाथ का अपोजिट फोर्स होता है। जैसे कि आप अगर रोड पे जा रहे हैं इस तरह से और ये एक व्हील है ना, ये व्हील इधर फोर्स अप्लाई करता है और ये रोड सरफेस इसे अपोजिट भी फोर्स अप्लाई करता है। ये दोनों का एक अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से वर्किंग होता है। ओके देखो, इट प्रिवेंट और अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। ओके, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एनी सरफेस does not move easily when a small force is applied to it. Small force applied to it. और एक बार बता देता हूं, it prevents or opposes the relative motion between the two bodies. It is common experience. एक common है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, हमारा जो चप्पल होता है, चप्पल का जो फ्लोर होता है नीचे का, उसके ऊपर कुछ डिजाइंस वगैरह निकाले रहते हैं। वो डिजाइंस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिप कहते हैं, ग्रिप। अगर वो चप्पल की बूट की अगर वो ग्रिप खत्म हो जाती है तो आप सरफेस पे अच्छी तरह से चल नहीं सकते, अगर प्लेन सरफेस है तो। ओके, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एनी सरफेस डज नॉट मूव इजिली When a small force is applied to it, अगर कोई फ्रिक्शन है तो बॉडी easily move नहीं हो सकती। जैसे कि आप देखते हैं, अगर कोई ऐसा inclined surface है, अगर यहां वो roughness है, अगर कोई चीज उसके ऊपर रख देते तो नीचे slide नहीं होती, उसके ऊपर वो अटक के रह जाती है, चिपक के रह जाती है, क्योंकि दोनों के बीच किस टाइप का, एक टाइप का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है। ओके आगे का पॉइंट देखो, देन दिस इज बिकॉज अ सर्टन फोर्स ऑफ अपोजिशन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। ये देखो, ये मैं बता रहा हूं, दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टन फोर्स ऑफ अपोजिशन। सर्टन फोर्स ऑफ अपोजिशन यानी कि ये जो बॉडी है इसका एक फोर्स होता है और इसका एक फोर्स होता है, दोनों का अपोजिट फोर्स होता है। ओके, अपोजिशन एक्टिंग द बिटवीन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है जिसके ऊपर हमने रखा है, दोनों के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स होता है और ये फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से वो जो बॉडी रहती है वो स्लाइड नहीं हो सकती। ओके, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट हमारे कंप्लीटली बुक में से है, कंप्लीटली बुक में से है, बुक में से ये पॉइंट मैं आपके लिए ले रहा हूं, यानी कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी तरह से मैं इसे समझाऊंगा। ओके, इवन अ रोलिंग बॉल कम्स टू द रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑन अ प्लेग्राउंड बिकॉज सच अपोजिंग अ फोर्स। समझो एक बॉल वगैरह हमने जमीन के ऊपर रख दिया, फेंक दिया, वो रोल होके आगे चल रहा है लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वो वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होती है, इसलिए डिक्रीज होती है कि जो बॉल होता है वो रोल करके आगे चलता है लेकिन सरफेस
और बॉल का सरफेस दोनों के बीच एक किसी ना किसी टाइप का एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट कैन अपोजेस द बॉडी टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे चलने के लिए उसे अपोज किया जाता है। ओके, जो बच्चे आज लाइव है, कौन कौन है लाइव? चलो, अनिरुद्ध है, ओके, यशराज भी है, धनाजी शेवड़े है, वर्षा है, बालासाहेब ढाकने हैं, ओके, रमेश अक्केवार हैं, और दूसरे कुछ बच्चे यहां अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह से है। तो आगे का बीट क्या है देखो, देन यानी कि बॉल का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। ओके, देन देखो, आवर फुटवेयर इज प्रोवाइडेड द डिजाइंस एट द बॉटम ऑफ द इट्स सोल सो एज टू प्रोड्यूस द फोर्स ऑफ अपोजिशन टू अवॉइड द स्लिपिंग। जो चप्पल वगैरह रहते हैं ना, उसके नीचे डिजाइंस होती है, डिजाइंस बोले तो वो ग्रिप होती है, और वो ग्रिप का क्या काम है, ग्रिप का काम इतना ही होता है कि अगर हम आगे चल रहे, अगर ग्रिप वो फ्रिक्शन सपोर्ट देता है, अगर उसके ग्रिप डिक्रीज हो जाते हैं तो हम चल नहीं सकते। ओके, सोल देखो, सो एज टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ अपोजिशन टू अपोज द अवॉइड द स्लिपिंग होना। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक विदाउट द सच अपोजिंग फोर्स। अगर वो ग्रिप नहीं होते तो अपोजिंग फोर्स नहीं मिलता, अगर अपोजिंग फोर्स नहीं मिलता तो हम सीधा साधा चल भी नहीं सकते रोड के ऊपर, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स वहां कम पड़ता है। ओके, और यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू वॉक फास्ट ऑन पॉलिश्ड फ्लोरिंग एट होम विथ सोप वाटर स्प्रेड ऑन इट। अगर साबुन का पानी अगर फर्श के ऊपर गिरा है, अगर वहां से आप चलने की कोशिश करते हैं तो आप चल नहीं सकते, स्लिप होके गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? तो वहां का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिपिंग ड्यू टू लैक ऑफ फोर्स ऑफ अपोजिशन। लैक ऑफ फोर्स ऑफ अपोजिशन की वजह से वहां से आप अच्छी तरह से चल नहीं सकते। समझ में तो आ रहा है ना? ये मैं बुक का पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं, अपना जो बुक है ना, बुक में का आपको ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ये अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, टू इनिशिएट एनी मोशन बिटवीन पेयर ऑफ सरफेसेस बोले तो शुरू करो, कौन सी भी दो सरफेस है, अगर कोई फर्श के ऊपर कोई पत्थर वगैरह रखा है, कोई क्यूब रखा है, तो उसे धकेलने की कोशिश करो। अगर वो रफ सरफेस है तो आप इजीली नहीं धकेल सकोगे। ओके, वी नीड अ सर्टन मिनिमम फोर्स, कुछ ना कुछ अमाउंट का फोर्स आपको लगता है। अल्सो आफ्टर द मोशन इट इज कंटिन्यूसली अपोज्ड बाय सम नेचुरल फोर्स, उसे कुछ ना कुछ अपोज किया जाता है। ओके, दिस मैकेनिकल फोर्स बिटवीन द टू सॉलिड सर्फेसेस, दो सॉलिड सर्फेस के बीच इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, देन द प्रॉपर्टी, देखो द प्रॉपर्टी विच कंसिस्ट विच रेजिस्ट, क्या कह रहा हूं मैं यहां देखो, द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। ये देखो, द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट बोले तो अपोज करने वाला, द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस का रिलेटिव मोशन। जमीन के ऊपर आपने रखा है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था, एक बॉडी है, उसे आप धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो फर्श है वो एक जगह पे कांस्टेंट रहती है, और जो बॉडी आप धकेल रहे हैं
उसकी कुछ ना कुछ मोशंस रहती है, और इन दो मोशंस को जो कुछ भी अपोज किया जाता है, दैट अपोजिशन, द मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। और दोनों के बीच जो कुछ भी अपोजिशन होता है, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। समझ में आया ना? ओके, तो आगे का क्या है? इन सम केसेस इट इज नेसेसरी टू अवॉइड फ्रिक्शन। ये हुआ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, बहुत सारा महत्व भी है, और उसका नेगेटिव भी बेनिफिट है, नेगेटिव बेनिफिट, पॉजिटिव बेनिफिट, यानी कि उससे लॉस भी है। बहुत सारी ऐसी जगह है कि वहाँ फ्रिक्शन हमें अवॉइड करना होता है, वहाँ फ्रिक्शन हमें कम करना होता है, कम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह से? इन सम केसेस इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अवॉइड किया जाता है, बिकॉज फ्रिक्शन कॉजेज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन मशीन ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, वहाँ एनर्जी का किसी ना किसी अमाउंट का वहाँ का लॉस होता है, बिकॉज फ्रिक्शन कॉजेज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन मशीन्स ड्यू टू विच एफिशियंसी ऑफ मशीन्स डिक्रीजेस, इफिशियंसी ऑफ मशीन्स डिक्रीजेस, मशीन की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। इन सच केसेस फ्रिक्शन शुड बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द पॉलिश्ड सर्फेसेस। और अगर आपको वहाँ का फ्रिक्शन आपको कम करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ का सर्फेस को हम एक पॉलिश्ड सर्फेस करते हैं, यानी कि वो जो सर्फेस होता है उसे हम पॉलिश करते हैं, और पॉलिश करने के बाद वहाँ का फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। जैसे कि हमारे घर में जो फ्लोरिंग होती है ना, मार्बोनाइट ग्रेनाइट वगैरह, उसका सरफेस को पॉलिश किया हुआ रहता है, और पॉलिश करने की वजह से वहाँ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। ओके, द फ्रिक्शन शुड बी, और आगे क्या है देखो, देन मशीन्स ड्यू टू विच द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स डिक्रीजेस। और एक बार पूरा पॉइंट, इन सम केसेस इट इज नेसेसरी टू अवॉइड द फ्रिक्शन। बहुत सारे केसेस में फ्रिक्शन डिक्रीज करने का बहुत जरूरी होता है, बिकॉज द फ्रिक्शन कॉजेज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अगर वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी का डिसिपेशन होता है, एनर्जी का लॉस होता है इन मशीन्स, ड्यू टू विच द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स डिक्रीजेस, और काम करने की उसकी जो शक्ति होती है वो शक्ति डिक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज होती है। ओके, देन इन सच केसेस फ्रिक्शन शुड बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पॉलिश्ड सर्फेसेस। और ऐसे कुछ सर्फेसेस में क्या किया जाता है? सर्फेसेस लुब्रिकेंट्स, देखो एक्सेट्रा, फ्रिक्शन शुड रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पॉलिश्ड सर्फेसेस और लुब्रिकेंट्स। पॉलिश्ड सर्फेसेस और लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कौन से चीज है कि वहाँ का फ्रिक्शन कम से कम फ्रिक्शन होने की जरूरत होती है? जैसे कि हमारे फोर व्हीलर टू व्हीलर के जो बेरिंग होती है ना, बेरिंग, वहाँ कम से कम फ्रिक्शन होना पड़ता है। जो एक्सेल रहता है, एक्सेल के ऊपर बेरिंग बिठाया जाता है और बेरिंग के ऊपर व्हील बिठाया जाता है। ये किस लिए बिठाया जाता है? कम से कम फ्रिक्शन हो जाए, और उसके ऊपर कहीं लुब्रिकेंट भी बिठाया जाता है, जैसे हम ग्रीसेस वगैरह लगा देते हैं। वहाँ का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ, हमारा जो गेट रहता है ना, हमारा घर का गेट, कॉलेज का गेट, कंपनी का गेट, वहाँ जो गेट सरकाने के लिए जो नीचे बॉटम में व्हील्स बिठाए जाते हैं, और वो व्हील्स कम से कम फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है। रेलवे की जो बेरिंग रहते हैं, वो बेरिंग जो बॉल बेरिंग्स रहता है, वो बॉल बेरिंग का काम यही रहता है कि फ्रिक्शन फोर्स कम से कम करे। और बहुत सारे ऐसे जगह होती कि वहाँ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, चलने के लिए जो हम चप्पल वगैरह पैरों में डालते हैं तो उसमें एक डिज़ाइंस होती है, और वो डिज़ाइंस फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करते तो हम चल ही नहीं सकते। दूसरा है हमारा जो विंडो पेन्स होते हैं, विंडो का जो ट्रैक होता है कांच का वगैरह, उसके नीचे एक व्हील बिठाया जाता है, वो भी फ्रिक्शन कम करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वहाँ आपको फ्रिक्शन कम भी करना पड़ता जरूरी होता है, और कहीं जगह ज़्यादा भी होता है। समझो आप अगर गाड़ी को ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर वहाँ फ्रिक्शन कम है तो आपकी गाड़ी स्लिप होकर आगे चली जाएगी।
स्किडिंग हो सकती है और वहाँ एक्सीडेंट होने की भी चांसेस हो सकते हैं, रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द पॉलिश्ड सरफेसेस दैट इज द लुब्रिकेंट्स। ओके, देन टेंथ पॉइंट, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड्स एंड फ्लूड्स, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड्स एंड फ्लूड्स, सॉलिड एंड फ्लूड के बीच, दैट इज द लिक्विड एंड गैसेस, इज ऑल्सो अपोज्ड नेचुरली बाय फ्रिक्शन। जो एयर ब्रेक कहते हैं, एयर ब्रेक मालूम है ना, एयर ब्रेक, अभी अभी एयर ब्रेक फोर व्हीलर को लगाए, एयर ब्रेक, ऑयल ब्रेक भी रहता है, एयर ब्रेक, एयर ब्रेक बोले तो हम अगर प्रेस करते हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं तो जो व्हील रोटेशन करता है तो वहाँ कुछ ग्रिप्स होते हैं और वो ग्रिप में हवा जाके बैठती है और उसे रिवोल्यूशन नहीं करने देते, रोटेशन नहीं करने देता वो व्हील को, यानी कि एयर ब्रेक का ये काम है। उसी तरह से ऑयल ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के ब्रेक होते हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन यहाँ का फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इज ऑल्सो अपोज्ड नेचुरली बाय फ्रिक्शन। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, अ बोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एक्सपीरियंसेस अपोजिशन टू इट्स मोशन। वाटर सर्फेस के ऊपर बोट, बोट जितना पानी में भी जाता है, अगर आगे उसे चलना है तो पानी उसे अपोज करता है, लेकिन जो पीछे जो फैन वगैरह रहता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो फैन काम करता है, वो फैन रोटेट करता है, पानी को अपोज में धकेल देता है और बोट सामने चलती है। जो शिप वगैरह रहता है, शिप के बारे में, बड़ी बोट के बारे में, लेकिन हमारी छोटी जो नाव होती है, छोटी नाव होती है, बोट वगैरह, हम पानी में या कहीं तालाब में उसका इस्तेमाल करते हैं, जो वैसे जो वल्ले रहते हैं ना, वो पैड से पानी उसे पीछे धकेल दिया, पानी को पीछे धकेल देते और हमारी बोट आगे चलती है। न्यूटन का थर्ड लॉ का यहाँ एप्लीकेशन होता है। ओके, वाटर एक्सपेंस द अपोजिशन ऑफ इट्स मोशन। देन इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्रिक्शन इन सॉलिड्स ओनली। लेकिन ये जो सेक्शन है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो ये सॉलिड के बारे में खाली हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, खाली हम इतना ही लर्न करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। ओके, जो आगे का बीट है, जो आगे का पॉइंट है, वो पॉइंट है ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। अभी ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन कैसे होता है, ओरिजिन बोले तो कैसे जनरेट होता है, कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा घसे का प्रॉब्लम हो रहा है, दो दिन से थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट मुझे लेना पड़ेगा। ये जो एक साल दो साल के बाद जो ये वीडियो जो बच्चे देखेंगे वो भी बोलेंगे सर का क्या, क्योंकि दिन में छः क्लास ले रहा हूँ, घसे का प्रॉब्लम आ रहा है घसे में, तो थोड़ा सा एक आधा आधा घंटा का ही मैं वीडियो लेने वाला हूँ, तो आधे आधे घंटे में ही हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये 30 मिनट का वीडियो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेना है 45 मिनट्स का लेना पड़ता है, लेकिन मैं अभी ये 30 मिनट्स का ले रहा हूँ। ओके, तो आगे का जो पार्ट है ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ओरिजिन कैसे ओरिजिन होता है, कैसे निर्माण होता है, ये निर्माण के बारे में हम आगे के बीट में लर्न करते हैं। अभी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफ़िकल्टीज है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए मैं पेश करूँगा। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत बच्चों, बाय बाय, चलो।